जब इस जिले में ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ कोरेक्स एक गंभीर समस्या है। मैंने कोरेक्स में काफी कार्रवाई की और करीब आज की तारीख में 250 लोग कोरेक्स के मामले में जेल में। एक बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर लगता है कि यहाँ पुलिस की साठ गांठ भी बहुत ज्यादा इसका कारण है कि कोरेक्स आज गांव-गांव तक पहुंच चुका है, इसकी होम डिलीवरी हो रही है। और तो हमने पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दिया है कि इस तरह का कोई भी कृत्य करेंगे तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी और अमूमन इसका हमें भविष्य में लाभ भी मिलेगा और हम इसमें और आगे बढ़ के अच्छी कार्रवाई कर सकते। व्यवस्था और यहाँ की एक सबसे बड़ी बीमारी यानी अवैध तस्करी को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह। उनसे बात करेंगे और यहाँ की कानून व्यवस्थाओं के एक्शन प्लान के बारे में और अवैध नशे की तस्करी के रोकथाम के लिए उनके प्रयासों के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ अपराध क्यों घटित हो रहे हैं और उनकी मात्रा समय क्या है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले रीवा ज़िले में अपराध की समय क्या स्थिति है और पुलिस का क्या एक्शन प्लान है। रीवा जिले में जो अपराध की स्थिति है काफ़ी नियंत्रण में है। हमारे पास जो भी अपराध हैं सब पे हमने करीब करीब नियंत्रण लाया या कमी लाया है, लेकिन जिला बहुत बड़ा है, आबादी के अनुपात से जितना पुलिस बल होना चाहिए उतना पुलिस बल रीवा में नहीं है, इस कारण से भी कुछ समस्याएं हैं। बट रीवा में अपराध की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है और रीवा चूँकि यूपी से लगा हुआ एक ज़िला है और काफ़ी फैला हुआ ज़िला है और कई चौकियाँ हमारी ऐसी हैं जिनको थाना हो जाना चाहिए लेकिन अभी चौकियों के रूप में ही हैं, तो तमाम चीज़ों के बावजूद तमाम विसंगतियों के बावजूद रीवा में कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल बहुत बेहतर है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा जिससे कोई गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इस समय की एक सबसे बड़ी समस्या रीवा ज़िले में सर अवैध नशे की तस्करी है, वो नशीली सिरप के रूप में हो या शराब के रूप में हो या गांजे के रूप में हो। आप लगातार इसकी चर्चा भी करते हैं कि इनको रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं, तो उनके लिए क्या सर आप करेंगे? देखिए, अपराध को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि अपराध को पकड़ना, उनको पकड़ने के बाद जो लोग पकड़े जाते हैं उनके जरिए रूट काज पे जाना और ऐसे लोगों को ऐसे उपायों को करना जिससे अपराध कम हो और समाप्त हो। मैंने जब इस ज़िले में ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि यहाँ कोरेक्स एक गंभीर समस्या है। मैंने कोरेक्स में काफ़ी कार्रवाई की और करीब आज की तारीख में 250 लोग कोरेक्स के मामले में जेल में। मैंने ये भी देखा कि कोरेक्स एक ऐसा नशा है जिसको करने वाला कभी ट्रेस नहीं होता कि वो नशा किए हुए है। शराब पीने वाले को तो आप सूंघ कर समझ सकते हैं लेकिन कोरेक्स का नशा करने वाले का पता नहीं चलता है और युवा जो है इसे बहुत जल्दी आकृष्ट होते हैं क्योंकि अपने अभिभावकों से छुप कर भी ये नशा कर सकते हैं। तो ये नशा बहुत गंभीर है और अंततः जो है मास किलिंग को बढ़ावा देता है। अमूमन इस नशे का आदि व्यक्ति 6 से 8 वर्ष में अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो मैंने इस नशे को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि रीवा की 10 से लेकर 30 की उम्र वाली जो पीढ़ी है इस पूरी पीढ़ी पे कोरेक्स का संकट छाया हुआ है और एक गंभीर समस्या है और इस पे लगातार में हमारी कार्रवाई चल रही है और हमने बहुत कार्रवाइयाँ की। पहले 100 पेटी एक बार हमने 100 पेटी पकड़ा, फिर संख्या पेटियों की घटती गई, अब शीशियों में कोरेक्स जब्त हो रहा है और यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि मूल शीशी जो कोरेक्स की होती है उसमें भी सप्लाई ना होके उसको एपी या अन्य कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में या मिनरल वाटर की बोतल में भर के सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। तो स्पष्ट है कि हमारी निगाहें जो हैं काफ़ी चौकस हैं इस दिशा में और ये जो इस बात को दर्शाती हैं कि हमारी पुलिस लगातार इस पर लगी हुई है। लेकिन ये नशा एक ऐसा नशा है कि ऐसे नशे में जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहा है ऐसे व्यक्ति को समाज को भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए, उनको कम से कम बहिष्कार करें या उनके विरुद्ध जो भी करें कि सामाजिक स्तर पे उनका कुछ न कुछ बायकॉट भी होना चाहिए कि तुम हमारे समाज को जिस गांव में रह रहे हो जिस मोहल्ले में रह रहे हो जिस जिले में रह रहे हो उस जिले को तबाह क्यों कर रहे हो। ऐसे नशे के कारोबारी किसी भी प्रकार से सम्मानित नहीं होने चाहिए, ये हमारा विशेष तौर पर अनुरोध रहता है। रीवा ज़िले में आपने जैसा कि कहा यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि कोरेक्स एक गंभीर समस्या है, उससे पहले कोरेक्स के बारे में कितनी जानकारी थी आपको और कितनी बड़ी समस्या आपने समझा यहाँ आने के बाद? देखिए, मैं अमूमन जिन क्षेत्रों में पदस्थ रहा विगत 10 सालों में वे उन क्षेत्रों में स्मैक और गांजा मुख्य रूप से समस्या थी, लेकिन इस विभिन्न क्षेत्र में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे बेसिकली कोरेक्स समस्या है। कोरेक्स जो है विगत 5-6 सालों में जिन कारणों से भी हो
एक गांव गांव पहुंच गई, और जो बहुत घातक है, गांव पहुंचना बहुत घातक है। एक नशा, अवैध नशा एक शहरी बीमारी ना होके ये पूरे जिले में, पूरे बिंद क्षेत्र के जिलों में फैल गया है नशा। इसलिए इस नशे की गंभीरता को मैंने समझा है और उसी के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हूँ। सर, एक बड़ा आरोप पुलिस के ऊपर लगता है कि यहाँ पुलिस की सांठगांठ भी बहुत ज़्यादा इसका कारण है कि कोरेक्स आज गांव-गांव तक तो पहुंच चुका है, इसकी होम डिलीवरी हो रही है और बहुत तगड़ी होम डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे थाना प्रभारियों को या फिर ऐसे थानों में किस तरह से आप निर्देशित करेंगे उन्हें पकड़ने के लिए? इस आरोप से कैसे आप सामना करेंगे इस आरोप का? नहीं, आरोप का विधिवत सामना कर रहे हैं, और हमने ऐसे दो लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। एक एक हमारे पुलिस कर्मचारी की विभागीय जांच चल रही है, और एक के खिलाफ निलंबन कर उसकी भी जांच आदेशित की है, जिसमें वो कोरेस के व्यापारियों से उसके सांठगांठ के संबंध जाहिर हुए हैं। तो हमने पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दिया है कि इस तरह का कोई भी कृत्य करेंगे तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी, और अमूमन इसका हमें भविष्य में लाभ भी मिलेगा और हम इसमें और आगे बढ़ के अच्छी कार्रवाई कर सकेंगे। कारोबार के बाद यहाँ पर विचार किया जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण समस्या है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद इस संदर्भ में है कि छोटी छोटी बातों पे परिवार में झगड़े हो रहे हैं, जमीन के छोटे हिस्से में एक दूसरे को मरने मारने पर आमदा है, और ये पारिवारिक विवाद इतना ज़्यादा है कि मेरे पास अगर 100 शिकायत आ रही है तो 80 शिकायत पारिवारिक विवाद में, और विवाद या तो चाचा के लड़के से है, या अपने सगे भाई से है, या अपने किसी सगे रिश्तेदार से जो करीबी रिश्तेदार है उससे है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है मेरे सामने कि इस तरह का जमीनी विवाद का जो मैटर आ रहा है, विद इन फैमिली ये जमीनी विवाद का मैटर बहुत गंभीर अपराध समस्या के रूप में आया है। दूसरा, रीवा जिला जो है महिला संबंधी अपराधों में काफ़ी कुछ पहले से भी यहाँ पे महिला संबंधी अपराध घटित होते रहे हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो अपराध होना, दूसरा यह होना कि अपराध के प्रति लोगों में जागरूकता होना, कि जो भी अपराध घटित होता है उसमें रिपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो महिला संबंधी अपराध भी यहाँ पे बहुत होते हैं। दूसरी मेरी प्रमुख चुनौती यह है कि इस तरह के अपराधों पे हम नियंत्रण लाएं। दिन पहले 7 दिन में 7 बलात्कार का एक मामला मुझे ध्यान में आता है, जिसको लेकर भोपाल में काफी चर्चा हुई। चुनाव के दौरान कांग्रेसियों ने खूब ये सवाल उठाए, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस ने, कि रीवा एक ऐसा जिला बन गया है जहां प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है और पुलिस किस तरह कार्यवाही कर रही है इस संदर्भ में? जो इस तरह के आरोप लगाए गए बिल्कुल निराधार हैं। जो भी अपराध घटित हुए, कुछ मामले तो ऐसे थे कि पूर्व में उनके संबंध बने थे और पूर्व में हुए घटनाएं घटी थी, लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद परिवार के लोगों ने रिपोर्ट की थी, और कोई भी ऐसा घटना घटित नहीं हुआ उस दौरान विगत 1 माह में जिसमें किसी ने बलात्कार या छेड़खानी की घटना की हो और आरोपी की गिरफ्तार न किए गए। तो हर अपराध पे कड़ी कार्रवाई की जाती है, और ये जो छेड़खानी हुआ, बलात्कार हुआ, जो जो अधिकांश मामले ऐसे भी आए हैं जो आरोपी और फरियादी पक्ष यानी पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों नाबालिग निकले। तो यह न सिर्फ एक कानून की दृष्टि समस्या है, फिर सामाजिक अगेन यह समस्या सामाजिक भी है कि 15 साल का बच्चा और 15 साल की लड़की किस तरह से इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या समाज को भी देखनी पड़ेगी कि इस तरह की चीज़ें समाज में कैसे आ रही हैं। जो लड़कों की ये समझदारी की एज में नहीं आए हैं उनमें इस तरह के रिलेशन बन रहे हैं और इस तरह की फिर कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये दोनों स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको अपराध के स्तर पे भी देखा जाए और समाज के स्तर पे भी देखा जाए। समाज की बात हुई है तो सर, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था को सुधारना केवल पुलिस का काम नहीं है, बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों को हमें उठाना होगा। पुलिस अधीक्षक के तौर पर रीवा जिलेवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे और आपका भी सहयोग करें और आप भी जनता का सहयोग करें? पहली बात, शासन में जो पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस आम आदमी के लिए है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि पुलिस जो है विभाग नहीं है, ये पुलिस हमारी पुलिस है। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन उनके लिए लगेगा कि हम पुलिस से कुछ काम करा सकते हैं। दूसरी बात ये सोचना होगा कि जो भी पुलिसकर्मी हैं इस ज़िले में, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, किसी का पति है। तो मतलब ये समाज से ही निकले हुए लोग हैं, कोई अलग से लोग नहीं है। कई लोगों में वो सामाजिक बुराइयां भी हैं जो समाज में पाई जाती हैं, क्योंकि हम समाज से परे होकर किसी अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, हम इसी प्लेनेट के प्राणी हैं, इसी ज़मीन से पैदा हुए हैं। हमारे 70% कर्मचारी जो रीवा में काम कर रहे हैं
इसी रीवा की बिंद की धरा से उद्भूत कर्मचारी हैं। तो इस बात को समझना चाहिए सबको, और इस बात को यदि समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम इनसे काम ले सकेंगे। और पुलिस को अपना समझना चाहिए, पुलिस ये नहीं कि पुलिस पुलिस है, ये हमारी पुलिस समझना चाहिए कि हमारी पुलिस है, और हमारी गलतियों से हमारा आकलन ना हो, हमारी अच्छाइयों से भी हमारा आकलन हो। हमारा पुलिसकर्मी कल कल एक बच्चा को एक्सीडेंट होता है, और उसको एक जो एक्सीडेंट करने वाला अच्छे उद्देश्य से लेके जाता है, उसका इलाज कराता है, लेकिन वह किसी थाने को नहीं बताता है। जैसे पुलिस को खबर लगती है, हमारा पूरा जिला उस बच्चे को ढूंढने में लग जाता है। ऐसे ही एक लड़का अपने मौसा की डांट से नाराज होकर साइकिल लेके गायब हो जाता है, एक फोटो आती है, पुलिस सक्रिय होती है, लड़के को ढूंढती है। तो हम लगातार जो है इस बात का प्रयास करते हैं कि हम जो भी चीजें घटित हों सामने आए, तो हमारा आकलन उन चीजों से भी होना चाहिए जो चीजें अचानक घटती हैं, और अचानक से हमारे ऊपर कार्य का बोझ आता है, कार्य का तनाव आता है, और हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्यवश पुलिस का आकलन उसका हमेशा उसकी कमियां ढूंढकर किया जाता है, कमियों के आधार पर ही हमारा आकलन होता है। हमारा आकलन हमारी अगर अच्छाइयों पर होने पर भी होने लगे, कमियों पर भी हो लेकिन अच्छाइयों पर भी होने लगे, तो समाज को ये लगेगा कि हमारी पुलिस बहुत कुछ कर रही है। हमारी गलतियों से नहीं, हमारी अच्छाइयों के साथ भी करें, ये कहना है रीवा पुलिस अधीक्षक का। इसके साथ ही बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी विस्तार पर चर्चा हमने यहाँ के कानून व्यवस्था पर की, यहाँ की चुनौतियों पर की, यहाँ के अपराध पर की, और सबसे बड़ी बात नशीली कफ सिरप या अवैध नशे के कारोबार पर की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।